हरिओम। एक बार फिर दीपक चौरसिया को राहत नहीं मिली। 10 मार्च को चंडीगढ़ हाईकोर्ट में तारीख थी जिसमें दीपक चौरसिया द्वारा लगाई गई 2 पिटीशंस FIR को रद्द किए जाने तथा निचली अदालत में पेशी से छूट की मांग, ये 2 याचिकाओं पर सुनवाई थी। सेशन कोर्ट में पेशी से छूट की याचिका अर्जेंट कैटेगरी में 118 नंबर पर और FIR रद्द हेतु याचिका जनरल कैटेगरी में 251 नंबर पर लिस्टेड थी। कोर्ट की कार्रवाई में निचली अदालत में पेशी से छूट पर याचिका का नंबर आने पर दीपक चौरसिया की तरफ से सीनियर एडवोकेट जनरल विनोद घई पेश नहीं हो पाए, जिसके कारण जूनियर वकील पेश हुए। जज साहब ने याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रथम चौरसिया के वकील से पक्ष रखने को कहा, जिस पर चौरसिया की ओर से जूनियर वकील ने अपना पक्ष यह रखा कि आज सीनियर वकील विनोद घई उपस्थित नहीं है, यह हवाला देकर आगामी तारीख देने की मांग की गई। जिस पर अपनी ओर से सीनियर एडवोकेट श्री धर्मेंद्र मिश्रा जी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि इनकी अर्थात दीपक चौरसिया के वकील कभी तैयार नहीं होते, कभी खुद ही अनुपस्थित रहते हैं, तो कभी बहस हेतु तैयारी न किए जाने का हवाला देकर समय की मांग करते हैं, इस प्रकार अदालत का समय बर्बाद करते हैं। जानकारी के मुताबिक बीते 21 फरवरी को चौरसिया की तरफ से सेशंस कोर्ट में पेशी की छूट से मांग वाली याचिका पर धर्मेंद्र मिश्रा ने आपत्ति जताई थी, क्योंकि निचली अदालत में स्थायी पेशी से छूट की मांग वाली याचिका में कोई ग्राउंड ही नहीं दर्शाया गया था। उसी आपत्ति को देखते हुए चौरसिया के वकील ने सुधार करते हुए नई याचिका दायर की थी। इसी नई याचिका पर जज साहब ने दोनों पक्षों की दलील को सुनने के बाद निचली कोर्ट में पेशी से छूट वाली नई याचिका को खारिज कर दिया तथा चौरसिया की तरफ से सीनियर वकील विनोद घई के पेश नहीं होने पर जज साहब ने जूनियर के रूप में जो वकील पेश हुए उनसे कहा कि विपक्ष के वकील श्री धर्मेंद्र मिश्रा जी दिल्ली से आते हैं, क्या आपने अपने सीनियर एडवोकेट की अनुपस्थिति के बारे में उन्हें सूचित किया? जवाब मिला नहीं, जिसके बाद जज साहब ने मौखिक रूप से कहा, अपने वकील से कहें कि धर्मेंद्र मिश्रा जी को 10,000 रुपये अपने वकील से पेमेंट कराएं। इस पर दीपक चौरसिया के जूनियर वकील ने सहमति जाहिर की। FIR रद्द करने वाली याचिका पर जज साहब की ओर से मौखिक रूप में कहा गया कि इस मामले में कोई मेरिट नहीं है, अतः यह याचिका खारिज करने योग्य है। चूंकि चौरसिया की ओर से सीनियर वकील पेश नहीं हुए, ऐसे में निर्णय देना उचित नहीं होने के कारण दोनों याचिका पर सुनवाई हेतु न्यायालय ने आगामी तारीख 10 अप्रैल 2023 सुनिश्चित की है, ताकि दोनों पक्षों की उपस्थिति में निर्णय लिया जा सके। धन्यवाद। हरिओम। संत श्री आशाराम जी बापू से संबंधित सबसे सटीक और सही समाचार, पूज्य श्री के दर्शन, विशेष आज्ञाएं, दिव्य सत्संग, पूज्य श्री का स्वास्थ्य समाचार, न्यायिक प्रक्रिया की जानकारी एवं पूज्य श्री के विरुद्ध हो रहे षड्यंत्र की हर सच्चाई अर्थात पूज्य गुरुदेव से संबंधित हर जानकारी को सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बापू की फौज को अभी सब्सक्राइब करें एवं डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप अभी ज्वाइन करें। धन्यवाद। हरिओम।